और छोरो के हाल। तो आप सभी का स्वागत है बैड बॉयज के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस, जैसा आप सभी जानते हो, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में तुम सभी को बताया था कि तुम फ्लेम एन्चांटमेंट फ्री में कैसे ले सकते हो या फिर परमानेंटली फ्लेम एन्चांटमेंट कैसे ले सकते हो। बट भाई मेरा ना तुम लोगों ने ना कतई ना माता मन का आगे रख दिया है भाई। वो मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई थी, तुमने पता नहीं क्या उसे सीरीज बना के रख दिया है। मेरे कमेंट बॉक्स में डेली मुझे कमेंट आ रहे हैं, भैया फ्लेम एन्चांटमेंट वाली और एपिसोड करवाएंगे। मैं कहूँ भैया वो एपिसोड ना वो सिंगल वीडियो थी, बट यार तुम लोगों ने कभी प्राण भी रखे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को एक और तरीका मालूम चला है फ्लेम एन्चांटमेंट हासिल करने का। तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना देते हैं जिसमें मैं तुम्हें सारे तरीके का डिटेल में समझा दूंगा। और उसके अलावा क्या तुम भी अपनी जिंदगी से परेशान हो? क्या तुम्हें भी अपना फोन अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है? क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अगर इन तीनों सवालों के जवाब है हाँ, तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आया है एक बहुत ही काम का ऐप जिसका नाम है नॉक्स क्लीनर। अब ये एक मल्टी परफॉर्मेंस ऐप है, वैसे तो इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, बट इसके कुछ फीचर ऐसे हैं जो मेरे को बहुत पसंद आए। जैसे इसका जंक क्लीनर, भाई ये एक नंबर है, ठीक है। ये तुम्हारे फोन के अंदर से जंक निकाल कर तुम्हारे फोन को मैक्स परफॉर्मेंस पर ले आता है। उसके अलावा इसका भैया गेम बूस्टर मोड तो एक नंबर है कतई, ठीक है। उसकी सहायता से तुम अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को काफी इनहेंस कर सकते हो। और इसके एंटीवायरस फीचर की तो मैं क्या ही बोलूं, ये हर तरह के वायरस को निकाल देता है। अब वो वायरस चाहे किसी ऐप से आया हो या तुम्हारी एक्स का वायरस, ये उन सभी को कतई डिटेल में हटा देगा। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक ये ऐप ट्राई नहीं किया हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें एक बार इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका डाउनलोड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम गूगल पर सिंपली नॉक्स क्लीनर सर्च कर भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। गाइस प्लीज इस तरह से मुझे गुस्से भरी नजरों से मत देखो यार, तुम जानते हो ना तुम्हारा भाई पहले कुछ सोलो और डुओ मैचेस खेलेगा और उसके बाद अपनी ट्रिक प्रारंभ करेगा। बट ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैं भैया कोई भी है ना टाइम पास नहीं करूंगा, मैं सीधा सामान सट्टा लेकर है ना द्वंद लड़ने पहुंच जाऊंगा। एटलीस्ट कोशिश करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा। और एक मिनट, ये मिल रहा है फ्री में तो लेने में कोई अर्ज नहीं होता, राइट। देखो फ्री का सामान कभी मना नहीं करना चाहिए, ठीक है, पाप लगता है और मैं पाप लेना नहीं चाहता। तो या है ना। और छोरे तू मुझे पता नहीं क्यों बटे ना आज मरते मरता दिख रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है छोरे आज तू मरेगा। ओके, तेरी मतलब हालत देख, आओ अच्छा ये मेरा है ब्रो, तेरी हालत देख के ना मुझे मारू या ना मारू इसे, एक काम कर लेते हैं। या मुझे पता है मैंने प्रॉमिस किया था मैं टाइम पास नहीं करूंगा, बट उस बेचारे की हालत देखो यार, बेचारा कितना गरीब है भाई, लिटरली पूरा गेम निकल जाएगा, किसी को मिलेगा ही नहीं ये सोरा को जा रहा है एक्चुअली। ओ अच्छा बराबर, मैं डर गया था कि तू अबे चाह क्या रहा है जिंदगी से, अंदर जा अंदर भाई ये छोरा बड़ा कमजोर है यार, तेरे ऊपर छोरे बहुत मजे आ रहे हैं मेरे को, बट क्या करे यार अब जाना पड़ेगा। सर सॉरी है ना, सर डोंट माइंड, पर हमको थोड़ा सामान चाहिए इसलिए हम आपका मर्डर कर रहे हैं और हमको किल भी चाहिए, ठीक है। अबे कूद रहा मत कमीने, सर हमारे बेड को तोड़ने जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी सी तो आ रही होगी, नहीं चलो कोई बात नहीं है ना। हाँ मुझे पता है मैं करने लग गया टाइम पास, पर यार मैं क्या करूँ, मेरी आदत देखा रहा है यार। ओ किसने, अबे किसने बेड तोड़ दिया, किसको मौत आ गई, बरादर तू कहाँ पे खड़ा है ये तो देख ले पागल प्राणी। ओ ओ ओ बह लिया को, ओ भाई मेरा बेड तोड़ा, तो तोड़ा किसने है, कहाँ से आया, उड़ के आया था ये छोरा। तन्ने के चाहिए सर, वाई 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 आर यू सो मच परेशान फ्रॉम जिंदगी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस छोरे को क्या चाहिए जिंदगी से, हैं क्यों बता से भाई, तू रिप्लाई तो दे दे, फाइट करेगा बरोदर, फाइट करेंगे आ जा यार। ओके फ्री का सामान, ठीक है सर हम आपसे फ्री का सामान ले सकते। कसम इस हरकत के बाद है ना मेरा सारे प्लेयर्स बास उठ चुका है भाई, कितना कमीना प्लेयर था यार है? भाई मैंने उसमें पूरा विश्वास किया और साले ने मेरे को विश्वासघात दिया,
बट ठीक है, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से सोर्ड वगैरह ये ऐसा ही सामान ले लूँ के ना, मैं जा रहा हूँ अपने एनिमीज के घर पे। मैं भाई मैं जानता ही नहीं कुछ, मेरे को दंगल लड़ना है अब। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा ब्रदर, तू चाहे जो हो ठीक है, तेरे को मरना होगा क्योंकि मैं भबका हुआ हूँ, मुझे सब। अबे चाहता क्या तू, छोड़ के क्यों जबरदस्ती मर ले यार भाई, है भाई की बात को मतलब क्यों काट रहा है। ओ कोई मिलने आए हैं, ये लो ले। ठीक है ब्रो आएंगे हम, है ना, डोंट वरी, हम आएंगे आपके पास। एंड अबे चाहता क्या हूं मैं, है चाहता क्या हूं मैं जिंदगी से। अरे सॉरी यार, मैं तो क्या नशेड़ी इंसान हूं मैं यार, मैं सोचा येलो बंदा है वो दत्त, मैं मतलब अलग ही लेवल का नशेड़ी हूं यार, बताओ। सॉरी ब्रदर, सॉरी है ना, गलती हो गई, माफ करिएगा हमको, मतलब या हमने मतलब आपका नाम नहीं देखा था। क्या ठीक है, मैंने जैसे बैठ ही तो थोड़ा है ना, अभी मारा नहीं है वो, है ना मुझे। नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, पता नहीं, अभी धोखा खा के आया हूँ गाइस, इसलिए मेरे को बस जस्ट है ना थोड़ा सा सेटबैक लगा है, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। ठीक है क्या ठीक है, अब मेरे हिसाब से अपने को युद्ध लड़ने बराबर क्या कर। ओके हाँ सर, आप जो कर रहे हो करते रहिए, है ना, कोई आपत्ति ना है, मैं जा रहा हूँ भैया द्वंद लड़ने, मेरा सभी लोगों पर से विश्वास उठ चुका है कहता ही। ठीक है अब मेरे सामने जो आएगा ना जिंदा फाड़ूंगा साले को, मैं एमराल्ड एमराल्ड के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और मैं सीधा युद्ध लड़ने जा रहा हूँ भाई, मेरे को एक सोर्ड ही ले लेनी चाहिए थी। ठीक है हाई, ओके यो ब्रदर केम छो, हेलो। देखो सारे अपने भाई बंधु थे, ठीक है, किसी से भी मेरे को फाइट करने में वो नहीं रहता, तो मैंने उनसे फाइट नहीं की। और गाइज तुम मुझे एक चीज बता दो कि अगर कोई अपना भाई बंधु आता है अपने सामने तो क्या अपने को उसे मारना चाहिए या नहीं, या अपने को अपना गेम चेंज कर लेना चाहिए सिंपली, तुम मुझे बता देना, क्योंकि काफी लोग कहते हो भैया तू है ना फाइट ही नहीं करता लोगों से, एंड भाई पर लोग लड़ते नहीं है उससे, मैं काफी कहता हूँ बट वो नहीं लड़ते। ठीक है खैर छोड़ो, अभी के लिए आ जाते हैं अपन अपनी ट्रिक की तरफ। तो देखो पहले मैं तुम्हें सारे तरीके बता देता हूँ फ्लेम इंचांटमेंट लेने के। ठीक है एक ये रहा, तुम देख सकते हो है ना, ये सिर्फ ये 3 दिन के लिए होता है 100 कीज में। ठीक है एक तरीका तो ये है, जो अपना दूसरा तरीका है वो है क्या बोलते उसे, रन्स की मदद से। ठीक है तुम्हें फायर सोर्ड रन्स लगा लेने हैं अपने 6 के 6 प्लेसेस में, 6 होते हैं या फिर कितने 7 होते हैं शायद, 7 के 7 प्लेसेस में फायर रन लगा लेने, तुम्हारी सोर्ड को परमानेंट फ्लेम इंचांटमेंट मिल जाएगी। या फिर उसके अलावा तुम लोग यहाँ से सुपर प्लेयर बाय कर सकते हो, जिसमें भी तुम्हें 2 घंटे के लिए डेली 30 दिनों के लिए फ्लेम इंचांटमेंट मिलेगी, जो कदे बर्बाद है मत लेना, मेरे भी कोई काम नहीं आई, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ली थी, मैं उन्हें यूज भी नहीं करता आजकल। हाँ जी 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 हाँ, और उसके अलावा एक और नया तरीका है भैया, जो ना फ्लेम इंचांटमेंट लेने का है, मतलब फ्री है एक्चुअली, है ना, क्योंकि होम्स तुम्हें फ्री में मिलते हैं राइट, तो तरीका खत फ्री है। प्रिविलेज्ड चेस्ट में जाओ, प्रिविलेज्ड चेस्ट में एक्चुअली, और वहां जाके इन्हें ओपन कर दो, अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो तुम्हें हो सकता है पहली बार में मिल जाए, या फिर हो सकता है तुम्हें 2-3 बार करना पड़े, मेरे केस में मेरे को 4 बार करना पड़ा। ठीक है बट मेरे को 2 घंटे के लिए फ्लेम इंचांटमेंट मिल चुकी है, वैसे तुम्हें मैं दिखा देता हूँ कि कितने कितने घंटे के लिए मिल सकती है तुम्हें, देख सकते हो 7 दिन के लिए मिल सकती है तुम्हें, अगर तुम टू मच लकी हो तो फ्री में 10 के मतलब उनमें। ठीक है तो ये काफी अच्छा है ना, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, और ये सारे तरीके हैं। ठीक है इनके अलावा कोई मेथड नहीं है फ्लेम इंचांटमेंट लेने का, तुम सोच रहे हो कोई हैक वैक होता है, नहीं। और इन सब चीजों के अलावा एक और तरीका होता है फ्लेम इंचांटमेंट फ्री हासिल करने का, और वो होता है यहाँ से, जी हाँ लकी ड्रॉ में भी तुम्हें फ्री इंचांटमेंट मिल जाती है। तुम जैसे मैं तुम्हें रिवॉर्ड दिखा दूँ, ये देखो तुम देख सकते हो है ना, एक मतलब तुम्हें फ्लेम इंचांटमेंट मिल सकती है लकी ड्रॉ में से भी, तो यस तुम इसे भी ट्राई कर सकते हो है ना, बट ये उतनी कुछ खास नहीं होती, कुछ आधा 1 घंटे के लिए होती है, बट ठीक है अपने को क्या करना है, एक काम कर ले यहाँ से, एक्चुअली मेरे को यहाँ से सामान सट्टा इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए राइट, मेरे में टाइम है एक्चुअली है ना, क्यों सामने डुओ है हम भी डुओ है, हाँ मैं डुओ मोड खेल रहा हूँ ना, सोलो में बहुत अखंड बेइज्जती करवा ली, अब इज्जत कहेंगे यार सारे भाई बंधु आ गए, लड़ भी नहीं सकता मैं उनसे यार, इसलिए मैं आ गया डुओ में, क्योंकि डुओ में मोस्टली मेरे को नहीं मिलता कोई है ना, तो एक काम कर लेते हैं बस बहुत हो गया सामान, अब क्या दुकान खोलना है यार, देखो एक्चुअली एक काम कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं यार, देखो वो लोंडा अपने आप को आर्मर से मतलब सुरक्षित कर रहा है तो हम क्यों ना करें, अब हम भी रेडी हैं आर्मर बार बार लगा के, और सामने वाली टीम में कोई भी नहीं है, बहुत ही प्यारा है यार ऐसे तो, मतलब
क्या चल रहा है भाई तुम लोगों के साथ है? ना खेलने आए ऐसे मजाक करने आए तुम लोग? खैर ठीक है, जो भी हो गाइस, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास तुम्हारी पीड़ा भरी हुई जिंदगी का अंत करने के लिए, है ना, क्योंकि हाँ एक मिनट, हाँ इधर है लौंडे, बिल्कुल पिंक वाला लौंडा है। ठीक है छोरे, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। सर आप क्या हमसे फाइट करने के लिए रेडी हो? नहीं एक्चुअली नहीं, क्या करूँ मैं, हैं मैं मर जाऊँ मैं मर जाऊँ भाई, कोई नहीं मिल रहा, क्या करूँ बताओ हैं? जिस गेम में जाता हूँ जिसमें सारे मुझे मिल जाते हैं अपने ही भाई बंधु, मैं क्या करूँ, मैं नहीं मार सकता इन लोगों का, आई कांट एक्चुअली। ओ पिंक वाला उधर है, मैं एक्चुअली पिंक पे ही जाता हूँ। डोंट वरी सर, आपका बैट नहीं तोड़ा जाएगा, है ना, मारना होता तो हम आपको अभी मार सकते थे। और मैं किसके पास, इधर आ जाते हैं, हाँ उधर लड़ते हैं जाकर, उधर उधर कोई तो मिलेगा भाई। इस लोंडे ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा मेरे से, ठीक है क्या आया, हेलो जिंदगी कैसी चल रही है भाई? मेरे को डेफिनेटली मेरे को समझना चाहिए था ये लोंडा भाई, भाई लिटरली कह रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं करूँगा आपसे किसी पे, है ना, मेरे को सब धोखा दे रहे हैं क्या यार मेरे? बताओ यार, हम तो मतलब हम इतने अच्छे हैं और सब इतने गंदे हमारे नाल, भाई मैं नहीं करना किसी पे बिलीव, अब जो मेरे नाल आएगा ना मैं सबको मार दूंगा, चाहे वो हंसे रोए गाए कुछ भी करे, आई डोंट केयर, आई एक्चुअली डोंट केयर, है ना। नहीं बहुत हो गया, ऐसे थोड़ी होता भाई, एक दिन में दो दो बार धोखे मिले मेरे को, मैं मानना ही नहीं भाई। भाई उस चोरी की हालत देखी तुमने, मैंने सडनली कम बैक किया पर उसकी हालत खराब कर दी। आओ आए सर, मैं डर रहा हूँ, अरे जा तू भूतनी के, अब नहीं मान रहा मैं किसी की बात, अब सीधा मौत का नंगा नाच होगा। अरे अरे नहीं 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 ब्रोदर, बस इसी वजह से मैं सबसे पहले ना अपने लिए गोल्डन आर्मर लेता हूँ और उसके बाद एनिमीज के घर जाकर फाइट करता हूँ। हाँ ब्रोदर, लेकर आया है किसी को तू? हाँ भाई साहब लोंडे, ये पड़ी ये तेरे संग भग्या, अरे तू जा यहाँ से भूतनी के, आओ छोड़े, जो भी हो तेरी जिंदगी बर्बाद है, अब तूने भाई को धोखा दिया है ठुकरा के मैं भाई दोनों की हालत खराब कर दी मैंने, उस लोंडे को वन शॉट किल किया मैंने, मजाक नहीं हो रहा है ठीक है, इसको छोड़ियो मत, इस भूतनी को मार दीजिए जान से कतई, वो तो वैसे ही मरने वाला है क्योंकि मेरे ब्रोदर पे डायमंड आ, वो मेरे लोंडे की हालत देखो तुम भाई, क्या क्यों अबे ऐसे कैसे चल रहा है, हेलो मजाक कर रहे हो हैं, मजाक हो रहा है, आर्मर लूंगा मैं सबसे पहले, भाड़ में गई दुनियादारी, अबे तेरी मैं करूँ सारे नटवर लाल हैं, तो जिंदगी में कहा था अटैचमेंट ही होता है जबरदस्ती, हाँ मर गया, अबे तेरी भूत नहीं क्या, तू मरेगा, मैंने कहा ना तू मरेगा, तू मरेगा कमीने, भाई मेरे जी क्यों भी हो गए मेरे, उसने सोचा भाई उस चोरे को क्या यार भाई लिटरली ना, मेरे को गेम पर इतना गंदा गुस्सा आ रहा है ना अब भाई, बिल्कुल बगल में होता है जी क्यूब्स मेरे, देखो यार कितने सारे वेस्ट हो गए, कसम से कह रहा हूँ इतना बुरा गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस टाइम, मेरे सामने मत आ जाना मैं फाड़ के फेंक दूंगा यार, बताओ ये क्या होता है, है? भाई मतलब तुम फाइट करते रहो ना और एकदम रोल में आ जाओ और उसी जगह पे वो सारे ना गेम वाले बड़े चतुर होते हैं ठीक है, उसी जगह लगाते हैं जी क्यूब्स को जहाँ पर है ना तुम मतलब उन्हें यूज कर दो, बड़ी कमाल बात नहीं है ये? अबे रोने से कुछ ना होगा, धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे तुम्हारा बैट तोड़ने के लिए, हाँ मतलब धोखा दोगे तो सर कैसे, भाई को धोखा कैसे दे सकते हो तुम लोग, हाँ भाई इतना अच्छा और भाई को तुमने धोखा दिया, पापी और दुष्ट राक्षस हो तुम्हारे संग तो अब है ना मतलब अनहोनी होने वाली है, अरे ओ अबे कमर क्या ओए भाई, क्या भूत है गेम में, कौन मार रहा है और कहां से मार रहा है, बंदा ही नहीं उधर, अच्छा यहाँ है ठीक है ब्रदर आजा तू, मैं डर रहा हूँ तेरे से सर, मैं बहुत डर रहा हूँ तेरे से, अरे ब्रदर डर नहीं रहा, तेरे को बुलाने की चाल थी ये साजिश, हमने खेली तेरे नाल चाल, अरे नहीं मैं गया भाई, बोल लोंडा भी है ना ऑलमोस्ट खत्म था, बट खैर क्या ही कर सकते हैं भैया, मेरे को ना लिटरली धोखा धोखा खेल के आज मेरा दिमाग खराब हो चुका है ना, बट खैर कोई ना, आज की अपनी वीडियो बस अपनी ट्रिक पर बेस्ड थी, तो मर गया भाई मैं सोलो टू में, लिटरली इतना अच्छा नहीं हुआ ना, मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी बात ये है मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर प्रैक्टिस से भी पहले मेरे को एक न्यू फोन चाहिए होगा, क्योंकि भैया मेरा फोन इतना गंदा लैग हो जाता है जब अपन पीवीपी करते हैं ना,
तुम लोगों को नहीं पता चलता होगा क्योंकि मैं एडिटिंग में उसकी स्पीड थोड़ी तेज करके उसे ठीक कर देता हूँ, बट भैया लिटरली मेरा गेम बहुत लैग होता है पीवीपी के टाइम, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ पहले कोई एक न्यू फोन लेना पड़ेगा और उसके बाद अपन प्रो बन सकते हैं। बट वेल वो तो बात की बात है, पर अभी के लिए उम्मीद है आप सभी को आज के गेम प्ले में मजा आया होगा। आया हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर, और मिलते हैं जल्दी को और न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट।